मैथ्स के पास पेपर में आई हुई दो एमसीक्यूज कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड अपॉन, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड अपॉन, नंबर वन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन बी दे रहे हैं डिग्री ऑफ डाइल्यूशन, ऑप्शन सी है टेम्परेचर, डी ऑल ऑफ दैट। आखिर ये डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है क्या? देखिए इलेक्ट्रोलाइट की मिसाले मैं दे रहा हूँ, जैसे कि एनी एक सॉल्ट है और इलेक्ट्रोलाइट है, H पॉजिटिव Cl ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि एसिड है, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है जो बेस है, यानी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, और ये तीनों कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उनको कहते हैं जो 90-95% डिसोसिएट हो, कितने 90-95%। इसके बदल जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो सिर्फ 2-3% तक डिसोसिएट होता है। ये जो मैंने चीज लिखी है डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसको अल्फा से जाहिर करते हैं, ये होता है नंबर ऑफ आयनाइज पार्टिकल डिवाइड बाय टोटल पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय 100, इससे रिलेटिव न्यूमेरिकल भी आ सकता है। फर्ज करें 950 पार्टिकल आयनाइज होते हैं आउट ऑफ 1000 पार्टिकल, मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी है, न्यूमेरिकल बन जाएगा 2-0, 2-0 मर गया, 0-0 मर गया, 95% आने का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये इलेक्ट्रोलाइट का स्ट्रॉन्ग होना, ये डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किस किस चीज़ से डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि जो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे उनकी नेचर, पहली बात क्या हो गई नेचर, दूसरी चीज़ हो गई डिग्री ऑफ डाइल्यूशन, क्या आपने डाइल्यूशन कितनी है, जितनी ज़्यादा डिग्री ऑफ डाइल्यूशन होगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड होगा। तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर, कॉमन सी बात है यार कि अगर किसी चीज़ को डिसोसिएट करना है वाटर के अंदर तो टेम्परेचर बढ़ाते रहो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे चीज़ उतनी ज़्यादा डिसोसिएट होगी। अक्सर देखे ना कोई एक सॉल्ट है कोल्ड वाटर में नहीं होता डिसॉल्व, तो हम किस में डाल देते हैं, हॉट वाटर में, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, डिसोसिएशन बढ़ती है, जिसको आप अल्फा से जाहिर करते हैं। तो भाई एक एमसीक्यूज़ कराते मैंने आपको बहुत सारी एमसीक्यूज़ करा दी। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर मिसाले में दूर होते तो एक तो ये एसिडिक एसिड है, मशूबेजम 2-3% होता है, एसिड की मिसाल हो गई, Na2CO3 हो गई, बेस हो गई। अब देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन, नंबर वन नेचर ऑफ आयन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, नेचर ऑफ आयन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, नंबर टू क्या हो जाएगी स्पीड ऑफ आयन, ऑप्शन भी दिया है, सी में दे रहे हैं बोथ एन बी, डी में दे रहे हैं नन ऑफ दैट। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, याद रहे कि ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइट हमेशा न्यूट्रल होता है, जब भी हम करंट फ्लो करते हैं पॉजिटिव आइन जिनको हम कैट आइन कहते हैं कैथोड की तरफ जाते हैं, और नेगेटिव आइन जिनको हम एनायन कहते हैं वो एनोड की तरफ जाते हैं। तो ये चीज़ होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, किस पे डिपेंड करती है भाई, नंबर ऑफ आइन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, जितने ज़्यादा आइन होंगे, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या है स्पीड ऑफ आइन, बिल्कुल भाई जितनी ज़्यादा स्पीड होगी। तो जब दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। यहाँ ये बताते चलूँ कैटाइन जाते हैं कैथोड पे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैथोड खुद क्या होता है नेगेटिव, एनाइन जाते हैं एनोड पर तो इसका मतलब क्या है कि एनोड खुद क्या होता है पॉजिटिव। छोटी छोटी बातें हमारे बहुत हेम है जिनको लोग जहन में नहीं बैठा पाते, इसलिए आसान तरीके से समझा रहा हूँ ताकि जहन में बैठा लेंगे। फार्मूला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अल्फा मुराद डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है ये भी पूछ सकते हैं। थैंक्स।